नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवराज सिंह। देश में कोरोना की रफ्तार अब थमने लगी है। भारत में करीब 50 दिन बाद एक दिन में सबसे कम नए केस रिकॉर्ड हुए हैं, जबकि मौतों की संख्या में भी अभी उतार चढ़ाव जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में 152,734 नए केस दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 3,128 मरीजों ने कोरोना से जान गंवाई है। इसके साथ ही देश में कोरोना का कुल आंकड़ा बढ़कर 2,80,47,534 पहुंच गया है। इसमें से अब तक 3,29,100 लोग जान गंवा चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि देश में कोरोना से रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में 2,38,022 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। नए मरीजों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या लगातार ज़्यादा बनी हुई है, जिससे एक्टिव केस में लगातार कमी आ रही है। अब देश में 20,26,000 से ज़्यादा एक्टिव मरीज हैं, जिनका इलाज जारी है। राज्यों की बात करें तो कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा महाराष्ट्र में। नए मामले अब घटने लगे हैं। पिछले 24 घंटों में रविवार को 18,650 नए मरीज दर्ज किए गए, जबकि करीब 400 मरीजों ने जान गंवाई है। इसी तरह दिल्ली में कोरोना काबू में आता दिख रहा है। दिल्ली में 22 मार्च के बाद कोरोना के सबसे कम मामले रविवार को सामने आए। 24 घंटे में दिल्ली में 940 नए बीमार मिले, जबकि 22 मार्च को 888 नए केस सामने आए थे। वहीं रविवार को 24 घंटों में 78 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। काफ़ी दिनों बाद एक दिन में दिल्ली में कोरोना से मौत के आंकड़े 100 से नीचे आए हैं। दिल्ली से सटे राज्य उत्तर प्रदेश में भी कोरोना सिमटता जा रहा है। यूपी में काफ़ी दिनों बाद कोरोना के नए मामले 2,000 से नीचे आ गए हैं। यूपी में रविवार को 24 घंटों में कोरोना के 1908 केस आए, जबकि सूबे में एक दिन में कोरोना से 66 लोगों की मौत हुई। वहीं तमिलनाडु में 28,864, कर्नाटक 20,378, पश्चिम बंगाल 11,284, हरियाणा 1,452, छत्तीसगढ़ 1,655, असम 3,245 और पंजाब में रविवार को बीते 24 घंटों में 2,627 नए कोरोना मरीज दर्ज किए गए हैं। देश भर में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान भी जारी है। 30 मई तक देश भर में 21,31,54,129 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 10,18,000 टीके लगाए गए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।